तेजस्वी नहीं तो कौन हो सकता है महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद का एकमात्र चेहरा होंगे, इसमें किसी भी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती है बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखते हुए। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी सियासी पहचान यही है कि वो बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। उन्हें बिहार के एक महत्वपूर्ण और बड़े राजनीतिक घराने का वारिस भी कहा जा सकता है। तेजस्वी यादव खुद को नीतीश कुमार का विकल्प बताने के उद्देश्य से लगातार सक्रिय भी रहते हैं। देश के सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम और सबसे कम उम्र के नेता प्रतिपक्ष का गौरव हासिल करने वाले तेजस्वी यादव सड़क से लेकर सरकार को घेरने में इन दिनों सबसे आगे नजर आते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव आज की तारीख में पूरे बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर घूम रहे हैं। इस यात्रा के तहत तेजस्वी यादव बिहार की सबसे ज्वलंत समस्या बेरोजगारी और नौजवानों के पलायन पर नीतीश कुमार की सरकार को लगातार घेर रहे हैं और बिहार के नौजवानों की दुखती नब्ज टटोलने की भी एक कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही इस यात्रा के बहाने तेजस्वी जो बड़ा संदेश देना चाहते हैं वो यह है कि अगर आने वाले दिनों में वो बिहार की कमान संभालते हैं यानी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेरोजगारी की समस्या पर वो प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। लेकिन हम भूल नहीं सकते कि इस यात्रा के पीछे तेजस्वी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है वो ये है कि तेजस्वी अपने इस यात्रा की बदौलत बिहार में विरोधी दल का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर दिखाई देना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आगे से लेकर पीछे तक की पंक्ति के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक तेजस्वी यादव में अपना नेता तो खोज चुके हैं, लेकिन क्या तेजस्वी को महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल के नेता भी अपना नेता मानेंगे? ये आज की तारीख में सबसे बड़ा और लाख टके का सवाल है। लालू प्रसाद यादव के परिवार की जिस तरीके से गांधी परिवार और कांग्रेस के साथ रिश्ते हैं, उस लिहाज से शायद कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर कोई एतराज नहीं जताएगी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ लालू प्रसाद के रिश्ते काफी सहज माने जाते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? जीतन राम मांझी क्या करेंगे? वीआईपी के मुकेश सहनी का क्या रुख होगा? शरद यादव तेजस्वी के नेतृत्व पर किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देंगे? राजनीति संभावनाओं का खेल है। एक संभावना तो यह है जो सबसे बड़ी है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राजद कभी भी तेजस्वी यादव के अलावा किसी और नाम पर कभी भी सहमत नहीं होगा। पर इसके साथ साथ एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि जूनियर सीनियर का एक नया तर्क गढ़कर एक बार फिर से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को भी महागठबंधन का चेहरा बनाया जा सकता है। अगर महागठबंधन में शामिल दलों को बहुमत का आंकड़ा मिल जाता है तो संभव है कि तेजस्वी यादव की बजाय राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री शपथ ले सकती हैं, जैसा कि झारखंड में पिछले दिनों हुआ था। कुछ सालों तक सत्ता संभालने के बाद राबड़ी देवी तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से राबड़ी देवी को 15 साल के बाद बिहार के सीएम की गद्दी पर देखा जा सकता है। धन्यवाद।